को अभिवादन करने के लिए यहां लोग आते हैं साथियों, लेकिन यहां आए हो तो लेके क्या जाना चाहते हैं? मैं आपसे दो मिनट में ही बात करना चाहता हूं साथियों कि आज की तारीख में बाबा साहब ने अपने जीवन में सबसे बड़ी धम्म क्रांति अपने जीवन के अंतिम क्षण में की। इसी मुंबई की धरती में 16 दिसंबर 1956 को वो अपना धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करना चाह रहे थे। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 25 राज्यों में भारतीय बौद्ध महासभा इसी बाबा साहब अंबेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। जो बाबा साहब को प्रेरित था, अगर हमको सच्ची श्रद्धांजलि अगर बाबा साहब को देनी होगी तो हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं उनको भारतीय बौद्ध महासभा से जोड़ना होगा। भाइयों बहनों, पिछले बार दीक्षा भूमि पे हमने न सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को दीक्षा लेते हुए देखा, मुस्लिम भाई बहनों को भी दीक्षा लेते हुए देखा, बौद्ध धर्म की छाया में आते हुए देखा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कार्य बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा उन्हीं के पोते के नेतृत्व में पूरे तान बान शान के साथ कह रही है। साथी भाइयों बहनों, कुछ समय पहले बिहार की धरती में एक सेंसस हुआ और सेंसस में पाया गया कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से करीब 80% और 85%। अगर ये 80% और 85% है तो क्या है मेरे भाइयों बहनों के पास हम भारतीय बौद्ध महासभा की मेंबरशिप लेके पहुंच नहीं सकते? बिल्कुल पहुंच सकते। अगर किसी मुख्यमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश की धरती में अगर मुख्यमंत्री बदला गया तो उस जिस कुर्सी पे बैठा था उसको गौमूत्र से धोया गया, क्यों? तो वो शुद्ध। मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी भाइयों बहनों से कि क्या वो अगर ये बात अगर है तो क्यों नहीं वो भारतीय बौद्ध महासभा के साथ में आके बाबा साहब के द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म का स्वीकार करें। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की धरती में लाखों करोड़ों के रूप में आज हजारों की संख्या में ओबीसी भाइयों बहनों ने 5 मार्च 2023 को मेरठ में, 5 जून 2023 को गोरखपुर में, उसके बाद नगीना बिजनौर जिले में लाखों की संख्या में आके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साथी ये कुछ कहना चाहते हैं कि बाबा साहब को जीवन में अंतिम क्षण में जो धर्म क्रांति की है सही मायने में अगर आप उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अपने घरों में वापस जाने के बाद आपके जितने भी भाई बहन दोस्त शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से हो तो उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करें। भाइयों बहनों, उनको जो सर्टिफिकेट देना है हमारे वेबसाइट ऑफिशियल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया .org इस पे जाइए, उसमें आप मेंबर बने, मात्र 20 रुपए में आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। आजीवन लेना है तो 1000 रुपए की मेंबरशिप है। मैं आपसे आह्वान करूंगा आपके भाइयों को, अपने बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को कि इस वेबसाइट में जाके हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के मेंबर बने। और हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष ने टारगेट रखा है कि करोड़ों की संख्या में 2025 में भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वगान में नेतृत्व में करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा देना है। साथी भाइयों बहनों, दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि उस समय मेरे जितने भी वक्ता थे संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। बाबा साहब की बनाई हर नियम, चाहे वो कामगार के लिए हो, चाहे शिक्षा की नीति हो, सब में बदलाव हो रहा है। क्या संविधान के हिसाब से काम हो रहा है? सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि क्या वो दिन अगर संविधान नहीं रहा
तो क्या होगा इसके बारे में सोचने वाली बात है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं इस संविधान की रक्षा के लिए 24 सितंबर 2023 में जहां 26 अलीपुर रोड बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, उसी धरती पर उसी जगह पर आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब के हाथों से पंचशील की झंडी दिखा के बाबा साहब के सम्मान में संविधान का रथ को वहां से शुरू किया गया भाइयों बहनों, और उत्तर प्रदेश की धरती में शान के साथ में जिले जिले में संविधान की प्रत जो है जगह जिले जिले में बांटी जा रही है। भाइयों बहनों, हमारे इस मंच पे मेरठ की धरती से हमारे राष्ट्रीय संगठक कैप्टन प्रमोद जी आए हैं, उत्तर प्रदेश की धरती में मेरठ में 20 साल बाद जब उन्हें शामनेर का शिविर लिया, तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों कि बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हुए जब हमारे शामनेर गण जब उत्तर प्रदेश की धरती में निकले तो वहां की सरकार हिल गई। आईबी ने वहां पे रिपोर्ट करके रोज पूछा गया, भाई ये क्या है, क्या होता है शामनेर में, बुद्ध धर्म में क्या होता है, ये जानने की कोशिश की। तो अगर ये छोटी सी घटना इतना काम कर सकती है तो अगर शामनेर का शिविर जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से लगता है, अगर उत्तर प्रदेश की धरती में न होगा तो क्या होगा साथियों, इस बात का अनुमान आप लगा सकते हो। साथी भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं किसी न सिर्फ महाराष्ट्र में जिस तरह आज हमारी समता सैनिक दल हमारी भारतीय बौद्ध महासभा मजबूत है, उसी तरह भारत के अगर आप चाहते हो संविधान को बचाने के लिए आपके जितने भाई बहन जितने दोस्त पूरे भारत में फैले हो उनको ये संदेश दो कि अगर आपको अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ में जो खड़ा है और वो पूरी ताकत के साथ जो मतदान का हक हमको दिया है कि जो भी कैंडिडेट उस संविधान विरोधी को अगर हरा सकता है तो बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान की वोट की ताकत को इस्तेमाल करो और उस कैंडिडेट को दो जो संविधान विरोधी ताकत के साथ में खड़ा है और बाबा साहब के संविधान को बचाओ। ये आने वाली ये जो 2024 जो मेरे आने वाले गए इसमें वक्ता ने बात कही है, इसको बचाने के लिए बाबा साहब का संविधान रथ पूरे देश में निकल चुका है भाइयों बहनों, और संविधान की कॉपियां मात्र 100-150 रुपए में वो बांट रहा है। मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि घर घर संविधान इस बार का नारा हो, आप अपने पैसों से अगर जहां भी आपको मौका मिले संविधान को लो और इसका प्रचार प्रसार जो बाबा साहब ने क्या हक दिए इसको करो, ताकि जब अप्रैल और मई में जब बाबा साहब के द्वारा इस हमें वोट की ताकत को दिखाने का समय आएगा तो मैं कहूंगा आपकी ये डू और डाई बटल है और आखिरी मौका है बाबा साहब के संविधान को बचाने का। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की बात को याद करो कि अगर मेरा कारवा आगे नहीं तो पीछे मत लाना साथियों, वो समय आ गया है कि अगर बाबा साहब को आप सच्चे मायने से अभिवादन करना चाहते हो श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो दो आने वाले 2024 में संविधान के साथ में जो खड़ा है अपने वोट का उपयोग करके बाबा साहब के रथ को आगे बढ़ाओ। ये कहते हुए मैं दर्शन पूरे करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।